हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में होंडा अमेज के अंदर में हम सीट कवर्स इंस्टॉल करने वाले हैं ब्लैक विथ व्हाइट स्टिचिंग के साथ में। इसके अंदर में ये VX मॉडल है तो आर्म रेस्ट के लिए पूरा सेक्शन आता है, तो आर्म रेस्ट भी प्रॉपर फिटमेंट के साथ में करने वाले हैं। आपने बहुत सी वीडियोज़ में देखा होगा, नॉर्मली मैंने भी वीडियोज़ में बताया कि चेन वगैरह के थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं। आर्म रेस्ट के लिए प्रॉपर फिटिंग का आर्म रेस्ट आता है एंड इसी के साथ में आर्म रेस्ट का जो अंदर का स्पेस है वो बेज कलर में है तो उसको भी प्रॉपरली ब्लैक करने वाले हैं। मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं किस तरीके से हम कर रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये है होंडा अमेज, यहां पर आप देखिए होंडा अमेज की यहां पर आपको बैजिंग मिल जाएगी। आईवीटेक VX मॉडल है, यहां पर आपको आईवीटेक और VX की भी बैजिंग मिल जाएगी। एंड गाड़ी का अगर आप साइड ओवरव्यू देखें तो वाइट कलर में गाड़ी है। एंड गाड़ी के अंदर में सीट कवर्स की सबसे पहले हम बात करते हैं, जो प्रायोरिटी है मेन सीट कवर्स की है कस्टमर की। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रंट सीट्स कंप्लीटेड है, बेज कलर में सीट्स आती हैं। नॉर्मली कुछ इस टाइप का कलर टोन रहता है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इस टाइप की सीट्स रहती हैं। बैक साइड की सीट्स हालांकि तैयार हो रही हैं, उनमें मैं आपको सीट का कलर टेक्सचर दिखाऊंगा किस तरीके का रहता है। फ्रंट रो सीट्स बट अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं फ्रंट रो सीट्स। यहाँ पर आप बकेट देखिए, डी फिटिंग हुई है ऑन कस्टमर डिमांड। इस गाड़ी के अंदर में डी फिटिंग करिए, आपके पास में तीन ऑप्शन होते हैं, एक तो सिंपल फिटिंग, नॉर्मल फिटिंग, उसमें सिर्फ सीट कवर को चढ़ाया जाता है, उसमें कोई भी आपको एकदम बकेट देखने को नहीं मिलेगी, नॉर्मली होती है सेमी बकेट। उसमें क्या होता है, दो धागे यहाँ पर डाले जाते हैं, ये जो दो पार्ट्स होते हैं एंड नीचे में यहाँ पर और यहाँ पर, तो उसे सेमी बकेट बोलते हैं। उससे भी इतनी परफेक्शन नहीं आती, बट डीप फिटिंग से काफ़ी अच्छी परफेक्शन आती है। एंड ये सीट कवर्स ओनली अमेज में लगते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेज की जिस टाइप की सीट्स आती हैं ना, उसी टाइप की आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलेगी। तो ये आप देखिए क्रेटा में डिफरेंट टाइप की सीट्स आती हैं और अमेज में, i20 में, सब में सीट्स अलग अलग रहती हैं, क्योंकि कम्फर्ट्स कंपनीज अपने हिसाब से ही कस्टमर को देती हैं। तो ये आप देखिए एंड आपको सीट कवर्स काफ़ी अमेजिंग लुकिंग में मिलेंगे। हालांकि अमेज है तो सीट कवर्स भी इस गाड़ी के अंदर हमें अमेजिंग ही डाले हैं। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इसकी बकेट भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, फोमिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करी है। अब मैं आपको जो सेकंड रो सीट्स हैं उसका एक बार ये स्पेस है किस तरीके का है चेक करा देता हूँ। ये आप देखिए सेकेंड रो सीट्स, सीट्स हमने जो ओपन कर रखी हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का कंपार्टमेंट रहता है। सेकेंड रो सीट्स यहाँ पर ही प्लेस्ड रहती हैं। मैं आपको सेकेंड रो सीट्स चेक कराता हूँ किस तरीके की, किस तरीके से उसमें वर्किंग चल रही है। एंड आर्म रेस्ट भी इस गाड़ी के अंदर में आता है, जो आईवीटेक VX मॉडल है, तो उसमें आर्म रेस्ट कंपनी देती है हमें इसके अंदर में, तो आर्म रेस्ट भी प्रॉपर तरीके से हम कर रहे हैं। तो आर्म रेस्ट का भी एक मैं आपको पूरा दिखाऊंगा किस तरीके से आर्म रेस्ट वर्क करता है एंड किस तरीके से उसकी फिटिंग आती है। तो अभी आप नॉर्मली सेकेंड रो देखिए एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रियर सीट्स हैं अमेज की। एंड रियर सीट्स में आपको जो सीट्स मिलती हैं वो कुछ बेज कलर में मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्सचर डिफरेंट है, यहाँ पर आपको लाइनिंग टाइप का टेक्सचर मिल जाएगा। ये आप चेक करिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर मिलता है बट बीच कलर में, और बीच में आपको सेंटर में ये आर्म रेस्ट भी मिलता है। तो आर्म रेस्ट यहाँ पर आप देखिए, ये आर्म रेस्ट की जो हाउसिंग होती है, ये हाउसिंग है, आर्म रेस्ट ऊपर लगा रहता है, तो उसको निकाल दिया है क्योंकि परफेक्शन के साथ में फिटिंग करने वाले हैं। एंड जो सीट कवर्स हैं इनमें पूरा स्पेस प्रोवाइडेड है जिससे अच्छी फिटिंग आए, पूरा अंदर में ब्लैक रहेगा तो ये बेज पूरा हट जाएगा एंड ब्लैक काफ़ी अमेजिंग लगेगा। जैसे कि मैंने आपको फ्रंट सीट्स दिखाई हैं अभी, तो ये भी एज इट इज ही तैयार होने वाली हैं। एंड मैं आपको जो बकेट बता रहा हूँ वो आप यहाँ पर चेक करिए, जो बकेट फिटिंग होती है उसमें ये जो थ्रेडिंग्स होती हैं ये कट होती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो थ्रेडिंग्स होती हैं इनको कट करना ज़रूरी होता है जब भी बकेट फिटिंग आती है, या डीप फिटिंग, या हम डीप फिटिंग जो बोलते हैं वो इसी चीज़ को बोलते हैं। यहाँ से जो थ्रेड्स होती हैं ये कटती हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर ये थ्रेड्स हैं ये पूरी कट होंगी, यहाँ पर लॉक्स फिट होते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर आपको लॉक देखने को मिलेगा, तो ये लॉक्स जो है हम भी फिट करते हैं, ये रॉड के अंदर में ही हम भी अपने लॉक्स लगाते हैं। वो लॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये आप देखिए इस टाइप के लॉक्स होते हैं। एंड ये आपको थोड़ा सा कलर देखने को मिलेगा ना इस टाइप का, तो वो ये कलर्स हैं, सेम एज इट इज़ लॉक्स होते हैं। ये देखिए आप, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है, सेम एज इट इज़ रहते हैं, थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है। तो ये लॉक्स एज इट इज़ इसमें फिट होते हैं। सीट कवर में भी रॉड होती है, जो मैंने अभी आपको रॉड चेक कराई ना, मैं एक बार आपको और चेक कराता हूँ। ये आप रॉड देखिए, यहाँ पर ये जो रॉड आपको विजिबल रहेगी ना, यही रॉड इसमें भी सीट कवर्स पे रहती है। तो ये रॉड और ये जो रॉड है, इन दोनों को लॉक्स की मदद से पूरा प्लेस्ड किया जाता है जिससे बकेट फिटिंग आती है, इसी को हम डी फिटिंग बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आता, नॉर्मली फिक्स हेडरेस्ट आता है। तो सीट्स में भी आप देखिए, यहाँ पर फिक्स्ड है, हेडरेस्ट है। और सीट कवर अगर मैं आपको एक बार चेक कराऊँ, तो ये आप चेक करिए सीट कवर, ये कुछ सीट कवर है हमारे ब्लैक कलर में वाइट स्टिचिंग के साथ में। ये जो मैं आर्म रेस्ट वाला आपको स्पेस बता रहा था वो ये है, ये आप चेक करिए, ये पूरा अंदर में फिट होगा। और ये आपका नॉन मूवेबल हेडरेस्ट है, ये आप चेक करिए यहाँ पर। तो ये नाफा क्वालिटी का लेदर है, काफ़ी अच्छा लेदर है, आप यहाँ पर देखिए चेक करिए इसकी क्वालिटी,
फर्स्ट में तो मैंने फर्स्ट रो सीट्स में जैसे कि आपको बताया है काफ़ी अच्छी लग रहे हैं। एज इट इज़ ही फिटमेंट बैक साइड में भी आने वाली है, वो मैं आपको चेक कराऊंगा। तो भी आप नॉर्मली देखिए सीट्स और ये सीट कवर, एंड फिट होने के बाद में मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर में आर्मरेस्ट की भी फिटमेंट है, ब्लैक कलर में ही होने वाली है। तो ये आप देखिए चेन वाले इतने ज़्यादा परफेक्शन के साथ में नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए फुल परफेक्शन के साथ में यहाँ पर लॉक फिटमेंट करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपनी भी इस टाइप के आपको लॉक्स देती है। तो ये आपको रॉड दिख रही है, ये कंपनी की सीट्स में आती है, इसमें लॉक फिटिंग हमने करी है। ये आप देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इसमें प्ले नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। एंड इस टाइप से जो सीट्स हैं, ये बैक व्यू है इसका, ऊपर में यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये पूरी क्लोज़ हो जाएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसके पीछे में इस टाइप से ये पूरी क्लोज़ हो जाएगी। एंड आर्मरेस्ट यहाँ पर आप चेक करिए, जो मेन आता है टू कप होल्डर के साथ में, ये आप चेक करिए। इसकी फिनिशिंग ये भी बीच कलर में आता है, तो यहाँ पर आपको पूरी प्रॉपर फिटमेंट मिलेगी, कोई भी आपको इसमें रिंकल देखने को नहीं मिलेंगे। और सीट आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट से किस तरीके की सीट्स हैं, आप यहाँ पर चेक करिए, काफ़ी अच्छी लग रही है ये देखने में। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं बेज कलर था ये, तो ब्लैक एंड वाइट स्टिचिंग इस पर कम्प्लीटली हो चुकी है। नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, यहाँ पर आप फिटमेंट देखिए इनकी, यहाँ पर आप देखिए बकेट, एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था बेज कलर था, तो वो पार्ट को कट करना होता है एंड देन ये फिट होता है। ये देखिए आप, ये कपड़ा निकाला था जो पहले यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ था जो मैंने आपको बताया था, तो इसको निकाल कर ही ये लगता है कि जब भी आप इसको लगवाते हैं आर्मरेस्ट को प्रॉपर फिटमेंट के साथ में, तो नॉर्मली जो कपड़ा आता है ना इसके अंदर में उसको काटना रहती है, देन ही ये फिट होता है। ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है। जब भी पूरा प्लेस हो जाएगा तो मैं आपको और जो है पूरा नॉलेज दूंगा किस तरीके से इसकी फिटमेंट आई है। पर देखिए होंडा मेज में जो आती है इस गाड़ी के अंदर में कार्बन फाइबर की केस कवर इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जस्ट हम इसको अनबॉक्स करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस टाइप की आपको कार्बन फाइबर की केस मिलती है। तो आप चेक करिए कार्बन फाइबर की केस, काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है, कार्बन फाइबर टाइप की डिज़ाइन आती है ये आप देखिए। एंड अंदर में आपको लेदर भी मिलता है, ये आप देखिए लेदर फिनिश आपको मिलती है जो कि अंदर फिट होता है, एंड किस तरीके से फिट होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड यहाँ पर आपको इसके एडजस्टमेंट्स के लिए सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर होंडा में इसके अंदर में कम्प्लीटली सीट कवर्स अपग्रेड हो चुके हैं। एसेसरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर में जो की है, नॉर्मली की आती है, इसके ऊपर में हमने कार्बन फाइबर की केस कवर इंस्टॉल किया है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, बूट ओपनिंग, यहाँ से आप पीछे भी देखेंगे तो होंडा का यहाँ पर लोगो भी एक्सेसिबल है, एंड काफ़ी अच्छा लगता है, एंड कार्बन फाइबर टाइप की लुकिंग्स काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये आप देख सकते हैं होंडा में इसके अंदर में काफ़ी अच्छा लगता है ये। एंड नीचे में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आप अपनी जो जीन्स वगैरह उसमें भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं की को, तो ये पूरा ऑप्शन आपको गाड़ी की केस के साथ में मिलता है, एंड की देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रही है। अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर पोर्शन में। इस गाड़ी के अंदर में सीट कवर्स इंस्टॉल हुए हैं ब्लैक थीम में, तो ये आप देखिए गाड़ी के अंदर में सीट कवर्स ब्लैक थीम पे बेस्ड हैं, सीट कवर काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इंटीरियर में सीट कवर्स इंस्टॉल हुए हैं, यहाँ पर आप देखिए नापा क्वालिटी में ब्लैक कलर में काफ़ी अमेजिंग लगते हैं देखने में। बकेट फिटिंग हुई है, बकेट फिटिंग आप यहाँ पर चेक करिए काफ़ी अच्छी तरीके से, एंड यहाँ पर भी आप चेक करिए, यहाँ पर भी पूरी तरीके से अच्छे से इसमें सीट कवर्स को फिट किया है। को पैसेंजर साइड में भी आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप की आपको फिटमेंट देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सीट कवर्स देखने में। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा दूर से व्यू दूं तो ये आप चेक कर सकते हैं सीट कवर्स का, काफ़ी अच्छा आपको सीट कवर देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग इसका आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टीयरिंग को स्टिच किया, आपके पास में ऑप्शन होता है, एक आपको इसमें मिलती है थ्रेड रेड पैटर्न में, तो रेड में भी आप कर सकते हैं, ब्लैक में भी काफ़ी अच्छी लगती है। इस गाड़ी के अंदर में ब्लैक में हुई है, क्रेटा और किया सेल्टोस के अंदर में रेड में इंसर्ट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, इसमें कोई GT वेरिएंट या फिर रेड लाइन वेरिएंट नहीं आता है, तो नॉर्मली ब्लैक के साथ में स्टिचिंग करिए तो ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड यहाँ पर ब्लैक थीम भी है, तो सीट्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गई हैं। आप देख सकते हैं बैक गाड़ी का, ये आपको कुछ बैक व्यू की सीट्स मिलती हैं, आपको यहाँ पर सीट्स देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं। एंड बैक में आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो ये आप आर्मरेस्ट देख सकते हैं, बेज कलर में आती हैं सीट्स जैसे कि मैंने आपको बताया है, और इसको फुल्ली ब्लैक कर दिया है,
यहाँ पर आप इंटीरियर पोर्शन भी चेक कर सकते हैं इसका। एंड यहाँ पर आपको कोई भी इसमें ग्लू वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादातर क्या होता है कि ग्लू वगैरह इसमें पेस्ट कर देते हैं, बट हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर आप फिटमेंट देख सकते हैं टू कप होल्डर्स के, यहाँ पर राइट साइड में कोई भी इसमें ग्लू वगैरह हमने या बॉन्ड वगैरह यूज़ नहीं किया है। एज इट इज़ ही फिटमेंट करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटमेंट काफ़ी अच्छी आई है। एंड ये आपका पूरा आर्मरेस्ट का एरिया है, यहाँ पर आप सीट भी देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है सीट्स एंड देखने में काफ़ी अच्छी फिटमेंट आ रही है। तो ये कुछ है होंडा में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। इसी के साथ हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो करें, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। यूज़र नेम आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ जाएगा एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।